देखो, एक होता है हमारे पास बीसीडी, एक होता है हमारे पास बाइनरी, और एक होता है हमारे पास XS3। तो जनरली जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं वो किस में होते हैं, बीसीडी और बाइनरी में। बीसीडी बेसिकली तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 9 तक जाता है बस, ठीक है। बाइनरी तुम्हारा कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं, 0 1 0 1 0 1 ऐसे कुछ जा सकते। तो तुमसे अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है BCXS3 कोड, राइट। अब मान लो तुम्हारे पास नंबर है 1001, तुम्हारे पास 20 है, तो 20 इसको हमें कन्वर्ट करना है XS3 में, राइट। अब इसको सबसे पहले हम क्या करके देखते हैं, इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, BCD में, मतलब जैसे वैसे करते हैं। मैंने बताया था तुम्हें कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है, 1248 लिख लो, तो 1001 है तो 8 + 1 9 हो गया। 9 में XS3 कन्वर्ट करना है तो उसमें सिंपल 3 ऐड कर दो, तो 9 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया, राइट। तो इसको अगर मैं 12 लिखूंगी बाइनरी के फॉर्म में तो कितना हो जाएगा, 8 + 4 12 हो गया, तो 1100 केस का आंसर आ गया, ठीक है। 1100, इसको लिखते कैसे हैं, XS3 को x बनाओ और 3, तो ये क्या हो गया XS3। एक तो तुम्हारे पास ये मेथड है कि तुम इससे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर करो और फिर वापस बाइनरी में कन्वर्ट करो। दूसरा मेथड है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1001 है BC, इसको तुम्हें XS3 में करना है, तो 3 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, तो देखेंगे तो 1248 मतलब 2011, ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो डायरेक्ट मैं बाइनरी की टर्म्स में इसमें ऐड कर दूं 2011, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 0, एक कैरी आ जाएगा, 1 + 1 0 अगेन एक कैरी आ जाएगा, 1 1, तो सेम पहले वाला ही आंसर आया, 1 1 0। तो मर्जी है तुम्हारी, डायरेक्ट जो भी नंबर दिया हुआ है या तो उसमें ये 0 0 1 1 ऐड कर दो, या फिर उसे नॉर्मल टर्म्स में कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में फिर कर दो, ठीक है। ये वाला